Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss Aristotle's three dimension of persuasive speech. इनको हम artistic proofs भी कहते हैं. अब persuasive मतलब क्या होता है? Persuasive means जब आप किसी को influence करते हो, किसी को आप ऐसे pointers बताते हो जो आपकी बात को प्रूव करे और वो आपको बिलीव करें. जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी दूसरे से भी मनवाना चाहते हैं और चाहते हैं वो भी हमारी ही बात को फॉलो करें, वो होता है परसुएसिवनेस या परसुएट करना या एक्ट ऑफ परसुएशन. हम दिन में छोटी से छोटी चीज़ को लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर हम परसुएट करते हैं किसी ना किसी को. आप खुद सोचो कि दिन में कितनी बार होता होगा जब हम किसी को परसुएट करते हैं. जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई डिलीशियस फूड बने तो हम मम्मी को परसुएट करते हैं कि बना दो, बहुत टाइम हो गया ना, प्लीज़. ऐसे किसी ना किसी तरीके से वैलिड रीजनिंग देते हैं कि देखो कल मैंने लौकी भी तो खाई थी ना. तो ये एक एक्ट ही है परसुएशन का. आप परसुएट कर रहे हो कि वो आपकी मर्जी का बनाए. उसके अलावा जब हम कोई एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं उसमें भी तो वो हमें ही परसुएट कर रहे होते हैं कि आप ये खरीदिए, आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक नहीं आया है, या अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपकी टीथ बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, या अगर आप ये वाली कार खरीदोगे तो आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट है. ये सारे एक्ट ऑफ परसुएशन ही तो है. सो एरिस्टोटल ने परसुएसिव स्पीच के लिए हमें थ्री डायमेंशंस बताए थे. पहला है हमारा इथॉस, दूसरा है पैथॉस एंड थर्ड इज लोगोस. अब इथॉस क्या होता है? इथॉस डायमेंशन हमारी किसी भी पर्सुएशन को एक एथिकल अपील देता है. वो हमें बताता है कि क्या ये एक्चुअली ट्रस्टवर्दी है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है. अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर कोई हम कुकिंग अप्लायंस ख़रीदना चाहते हैं या कुकिंग रिलेटेड कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और हमने आज ही टीवी पे ऐड देखा जिसमें संजीव कपूर आके कोई अप्लायंस को प्रमोट कर रहा है, तो हम भी वही अप्लायंस की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि संजीव कपूर कुकिंग फील्ड के एक्सपर्ट हैं. एंड अगर वो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं मतलब कोई तो बात है, हमें भी यही ख़रीदना चाहिए. सिमिलरली अगर हमें कोई स्पोर्ट्स वेयर ख़रीदना है और हम देखते हैं कि धोनी आके उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ परफेक्ट, मैं ये यूज़ करता हूँ, आप भी ट्राई करके देखो, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आएगा ही कि अगर ये यूज़ कर रहे हैं मतलब कुछ तो बात है और हमें ये ही लेना चाहिए. तो इथॉस हमारा वो एथिकल अपील बताता है. अब इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो और इस चीज़ को ऐड करते हैं अपील में, वो है चूज़ प्रॉपर लैंग्वेज. हम लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो लैंग्वेज हमारे को किसी एक्सपर्ट की साउंड करती है या नहीं करती है, क्या उस लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है कि वो हमें परसुएट कर पाए. सेकंड इज साउंड अनबायस्ड. बिल्कुल बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो बिल्कुल इसी की तरफ हो. हमें जनरलाइज व्यू में किसी भी एक ऑडियंस को अगर टारगेट करना है तो हमें अनबायस्ड होना पड़ेगा एंड हमें ऐसे परसुएट करना है कि वो जेन्युइन लगे. थर्ड, चूज़ ऑफ प्रॉपर वोकैबुलरी. हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं इट शुड बी प्रॉपर. एंड फोर्थ इज़ इंट्रोड्यूस योर एक्सपर्टीज. अगर हम किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो हमें वो बताना पड़ेगा, तभी तो लोग बिलीव करेंगे. अब अगर हम किसी के साथ कोई डिस्कशन करते हैं किसी फील्ड को लेके, सपोजिंग हम होम साइंस वाले हैं, किसी को डिस्कस करते हैं, लोग कहते हैं कि होम साइंस में क्या रखा है, हम एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, हम ऐसे ऐसे पॉइंटर बता सकते हैं कि हम दूसरे को परसुएट कर सकते हैं मानने के लिए कि हाँ भाई होम साइंस अच्छा सब्जेक्ट है एंड हमें इसको भी अपना करियर बनाने का सोचना चाहिए. सो अगर हम उस चीज़ के एक्सपर्टीज है तो वो हमारी बात करने के तरीके में, हमें समझाने के तरीके में आना चाहिए. सेकंड है हमारा पैथोस. पैथोस हमारा इमोशनल अपील देता है किसी भी चीज़ को. इट परसुएट ऑडियंस बाय अपीलिंग टू देयर इमोशंस. अगर कोई हम एक इमोशनल, जैसे ब्लैकमेलिंग होती है वैसे, अगर हम एक इमोशनल टच दे दें तो बहुत बंदा जल्दी से ना उसमें परसुएट हो जाता है. एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एक ऐड आता था बहुत पहले किसी टायर कंपनी का, उसमें एक फैमिली जा रही है कार पे मस्त स्पीड पे एंड अचानक से सामने से कोई ट्रक आ जाता है,
तो ना ट्रक रुकता है ना कोई और रुकता है, तो अचानक से जैसे ही कार के ड्राइवर को रियलाइज़ होता है कि ट्रक अब टक्कर मार देगा, तो वो एकदम से स्पीड मारता है, ब्रेक मारता है, एंड जैसे ही वो ब्रेक मारता है गाड़ी रुक जाती है। तो वो टायर के ऐड से ये दिखाना चाहिए कि ये टायर है बिल्कुल एंटी फ्रिक्शन है, आप ब्रेक मारोगे वो उसी टाइम रुक जाएंगे। सो इससे क्या एक इमोशनल अपील हर फैमिली में एक अराइज़ होती है कि भाई टायर अगर हमें लेने हैं तो यही लेने, क्योंकि ये सेफ़ है हमारी फैमिली के लिए। गॉड फॉरबिड कोई ऐसा रोड पे सीन हो जाता है जहाँ पे हमें अचानक से ब्रेक मारनी पड़े किसी की लाइफ बचाने के लिए या अपनी लाइफ बचाने के लिए, सो ये सेफेस्ट है। तो जब ये हमें कोई ऐसे इमोशनली परसुएट करता है तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ में फंस जाते हैं। सो अब इसका एग्जांपल मैं आपको इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। इनवोक सिंपथी, हमें सामने वाले के अंदर सिंपथी राइज करवानी है। देन ड्रॉप पिटी फ्रॉम देम, पिटी मतलब तरस, हमें उसमें से तरस निकालना। देन इंस्पायर एंगर टू प्रॉम्प्ट एक्शंस, हमारे अंदर एक गुस्सा आएगा कि भाई सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें अगर अपनी को और अपनी फैमिली को सेफ रखना है तो हमें इस प्रोडक्ट की तरफ सोचना पड़ेगा। यूज़ मीनिंगफुल लैंग्वेज, जब हम इमोशनल अपील दिखा रहे हैं तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड जो बात करने का तरीका होगा, जो हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो मोर ऑफ इमोशनल आपकी एरिया को टच करना चाहिए। देन इमोशनल टोन, सेम बात करने, धीरे धीरे आराम से, अगर आप गुस्से में बोलोगे तो वो आपको इमोशनल नहीं आएगा, तो उस तरीके से। एंड इमोशंस इवोकिंग एग्जाम्पल्स, अच्छा अब इमोशनल टोन में ज़रूरी नहीं है हर बार सैड ही हो सकता है, हम कोई गुस्से वाला भी ले सकते हैं, बट आप जिस इमोशन को टारगेट कर रहे हो तो उसी तरीके का साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कोई बिल्कुल सैड वाला इमोशन दिखाना चाह रहे हो तो आप उसमें गुस्से से बात कर रहे हो, नो। जैसे आपका इमोशनल जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप उसी अकॉर्डिंग की टोन यूज़ करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है हमारा लोगोस, लोगोस डील करता है लॉजिकल अपील को। नाउ कन्विंस ऑडियंस बाय यूजिंग लॉजिक और रीजनिंग, हम ऐसे ऐसे फैक्ट्स और एविडेंस उनको दिखाते हैं, पॉइंटर्स उनको दिखाते हैं कि वो हमारी बात मानने को रेडी होना ही पड़ता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आपको होटल के प्राइसेस सारे जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उसके थ्रू होटल का प्राइस दिखा देती है कि आप अगर यहाँ से बुक करोगे तो ये प्राइस है, इस वेबसाइट से बुक करोगे तो ये प्राइस है, इस वेबसाइट से बुक करोगे तो ये प्राइस है, तो आप बड़े आराम से परसुएट हो जाते हो कि भाई इसने हमारे को प्रूफ दिया है कि अगर हम यहाँ से कराएंगे तो ये प्राइस मिलेगा, यहाँ से करवाएंगे तो ये प्राइस मिलेगा, तो हम बहुत जल्दी मानते हैं उस चीज़ को। आज के टाइम पे अगर देखा जाए कोई भी होटल बुकिंग करा ले जाएगा सबसे पहले उसी वेबसाइट को खोलेगा चेक करने के लिए कि अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू उस होटल का क्या प्राइस बन रहा है या क्या ऑफर्स हैं उस पर। अब इसके हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो साइट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चलते हैं, आपके प्रेमिसेस और एविडेंसेस के बेसिस पे चलता है। यूजिंग एडवांस्ड थियोरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ये सारा खेल नॉलेज का है। देन साइटिंग फैक्ट्स, सेम चीज़ आ गई। एंड कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल और आर्ग्यूमेंट्स, आप इसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अगर रखते हो, अपना पॉइंट प्रूफ करने की बात करते हो, तभी ये लोगोस अपील आएगा। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ये अभी लास्ट ईयर के पेपर में, ये जो भी 2019 दिसंबर के ही पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डायमेंशन ऑफ परसुएसिव स्पीच, एथॉस, लोगोस, एम्पैथी एंड पैथॉस। तो इसका आंसर हमारा आ जाता है एम्पैथी। सिमिलरली हमारा एक ये क्वेश्चन पहले आया था 2017 में आई गेस, एज पर एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थ्री डायमेंशंस ऑफ परसुएसिव स्पीच आर एथॉस, एम्पैथी, लोगोस, एथॉस, पैथॉस, केओस, एथॉस, लोगोस, पैथॉस एंड लोगोस, केओस, मेथॉस। बताओ, यस इट इज़ आंसर नंबर सी। सो हमारे बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डील्स विद लॉजिकल एस्पेक्ट, और उसमें आपको कोई भी चार नाम दे देंगे, एथॉस, पैथॉस, लोगोस एंड चौथा कोई भी से केओस दे दिया। तो अब लॉजिकल का हमारा कौन सा होता है, लोगोस होता है। इमोशनल का कौन सा होता है, पैथॉस होता है। एथिक्स का कौन सा होता है, एथॉस होता है। सो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, सो आप बेसिकली इसको रीड कर दो तो आपको हेल्प करेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो,
थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लेट मी नो योर रिव्यूज़ इन द कॉमेंट बॉक्स. टेक केयर.